हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी और जानेंगे कि कैसे जो एक छोटे से स्तर पे आई हुई कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी कैसे आके रूल करने लग गई हमारे भारत पर। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। तो देखिए, ये जो औरंगजेब है ये आखिरी पावरफुल मुगल रूलर था। मेरा सेंस समझना यहाँ कहने का, लास्ट कैसा था? पावरफुल। इसका मतलब ये है कि औरंगजेब के बाद भी मुगल रूलर्स हुए हैं, औरंगजेब के बच्चे, उसके बच्चे, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है, He established control over a very large part of the territory that is known as India. Aurangzeb ने क्या करा कि बहुत बड़े स्तर पे अपना शासन फैला दिया, बहुत ज्यादा टेरिटरी अपने हिस्से में ला ली और उसको आज हम इंडिया कहते हैं। After his death in 1707, many Mughal governors या सूबेदार कहो and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है तो उसके बाद जो सूबेदार होते हैं और बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो अथॉरिटी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं और अपने छोटे छोटे रीजनल किंगडम बसाने की कोशिश करते हैं और इसमें वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर बचता ही नहीं है। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हाउएवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजोन जो कि थी ब्रिटिश। लेकिन जैसे ही 18th सेंचुरी का आखिरी पड़ाव आता रहता है, नेक्स्ट हाफ आता है, उस टाइम पे एक नई पॉलिटिकल शक्ति उभर के आ रही थी। ठीक है, काफी नाम सुनने को मिल रहा था, वो थे ब्रिटिश। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू अक्वायर टेरिटरीज। कि आप जानते हैं कि जो ये ब्रिटिशर्स आए थे ये सिर्फ एक छोटी सी कंपनी के तौर पे आए थे व्यापार करने भारत में और इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ये हम पे रूल ही करें। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट कंट्री। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये हमारे भारत के शहंशाह बनने की कोशिश करने लगे और बन गए, राज करने लगे भारत के ऊपर? तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। तो चलिए इस फिगर को देखिए। बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन। तो ये मैंने आपको बताया था ना अभी कि जो औरंगजेब की बात की गई थी, तो औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, मतलब शक्तिशाली। औरंगजेब के बाद जितने भी आए वो उतने शक्तिशाली नहीं थे। तो उनमें से एक ये बहादुर शाह जफर भी हैं, ये बहादुर शाह जफर, और ये है इनका बेटा जिनको अरेस्ट करा जा रहा है ब्रिटिश कैप्टन हॉडसन के द्वारा। After Aurangzeb, there was no powerful Mughal ruler. जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल नहीं बचा था, but Mughal emperors continued to be symbolically important. But क्या होता है ना, जब सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम किसी चीज को मानते आ रहे हैं या किसी को राजा मानते आ रहे हैं, किसी राजघराने को या किसी को, तो उनके प्रति आम आदमी का ना एक आदर सत्कार की भावना तो रहती है। भले ये इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी जो देश के लोग हैं, देशवासी हैं, वो इनको अपना राजा के तौर पे, क्या था, शहंशाह के तौर पे मानते थे। इनफैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट दैट टाइम
वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर। और इसी वजह से जब एक बहुत बड़ी विरोध हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में, इसी 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। तो जब ये होता है, लोगों के अंदर गुस्सा फूट के निकलता है, तो लोग जब सोचते हैं कि हम अपने इस क्रांतिकारी मिशन का लीडर किसे चुने, तब उनके दिमाग में जो छवि आती है वो आती है बहादुर शाह जफर की। वंस द रिवॉल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड। लेकिन क्या करें, इस टाइम तक जो कंपनी है ये काफी ज्यादा फैल चुकी थी भारत में और अच्छी मजबूत पकड़ बना चुकी थी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है ना, वो ये थी कि हम कुछ इंडियंस ही मिले हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ, तो जब अपना ही कोई दुश्मन के साथ मिल जाए तो जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। वरना हम ये 1857 की जो लड़ाई है ना, इसी में जीत जाते अगर हमारे अपने हमारे दुश्मन ना होते। अगर हमारे कुछ इंडियंस इन ब्रिटिशर्स के साथ ना देते तो शायद इतना लंबा टाइम हमें इनके कैद में नहीं रहना पड़ता। तो वही इस क्रांति में भी हुआ था 1857 की में, कि हमारा जो रिवॉल्ट है उसको दबा दिया गया था और बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती भारत से बाहर भिजवा दिया गया और इनके जो लड़के थे इनको मार दिया गया था। नाउ टॉपिक का नाम समझने की कोशिश करो, ठीक है। लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। इसका क्या मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको, वेट अ मिनट। देखो, पहली चीज तो ये समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो बाकी जो अमेरिका है, लंदन है, यहां मैप में देखिए, ये इंडिया है, ये वाला एरिया जहां मैंने ये गोला किया ये इंडिया है, ठीक है। फिर इस पूरे एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वाली जगह आती हैं। ऊपर चाइना है, ये अफ्रीका आपको दिखाई दे ही रहा है, और इस साइड में जब आप जाएंगे और मैप होगा तो यहाँ होगा अमेरिका वगैरह, एंड हियर ये पूरा लंदन, यूरोप, ये सारी जगह हैं, ठीक है। तो बात ये आती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ ईस्ट और वेस्ट बताओ तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो इधर की चीजें हैं ये ईस्ट हैं, ये ईस्ट है, और इधर की जो जगह है ये वेस्ट है, ठीक है। अब देखो, यूरोप ये है जहां मैंने ये लिखा यू, ई यू लिखा है, ये यूरोप है। तो यूरोप के ईस्ट साइड में है इंडिया, इसलिए बोला जाए ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, क्योंकि जो ये लोग हैं कहां किस तरफ आ रहे हैं, ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि कम्स ईस्ट। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसीलिए बोला गया क्योंकि हम ईस्ट में ही हैं, ठीक है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। चार्टर क्या होता है? एक फरमान होता है, ऑफिशियल नोटिस टाइप का समझ लो। तो ये मिल गया था, कहां से मिला, किसको मिला? तो पहली बात तो ये सुनो, 1600 में मिला। किस में मिला? 1600 में मिला। एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। और ये चार्टर किसने जारी किया? जो महारानी थी उस टाइम इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने दिया। किसको दिया था और क्या था इस चार्टर के अंदर? ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इसके अंदर लिखा था कि आप ईस्ट, मतलब ईस्ट जो कंट्रीज है उनमें जाके व्यापार कर सकते हैं। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें सोल राइट था कि कोई और कंपनी जाके ट्रेड नहीं करेगी, बस ये एक कंपनी जाएगी, ठीक है, ईस्ट में जाके ट्रेड करेगी। और इस कंपनी का नाम इनने कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स
from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at the higher price. एक बार फरमान मिल गया, चार्टर मिल गया, अब क्या है, खुली छूट मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब बस इनके दिमाग में एक चीज थी कि हमें वो जमीन मिल जाए, वो सोना उगलने वाली जमीन मिल जाए, जहां से हम सस्ते में माल खरीदें और फिर महंगे में यहाँ यूरोप में बेचें और पैसा कमाएं। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि इनको कोई भी डर नहीं था कॉम्पिटिशन का दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से, क्योंकि ये तो कोई एक कंपनी थी ना। इंग्लिश किसको बोला जा रहा है, इन्हीं ब्रिटिश लोगों को इंग्लिश बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश का मतलब है ये ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश वाली ये जो कंपनी है, इनको कोई टेंशन नहीं है कॉम्पिटिशन की, क्योंकि इनकी जो क्वीन एलिजाबेथ है ने इस चार्टर में लिख दिया है ये सब कि तुम आराम से जाके ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्रीमियरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। ये लोग क्या करते थे, पहले तो मर्केंटाइल क्या होता है ये जानो। मर्केंटाइल क्या होता है, यहां देखो, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। मर्केंटाइल वो बिजनेस होता है जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, व्यापार से। और व्यापार में क्या करते हैं कि सस्ता चीज खरीदते हैं और फिर महंगा बेचते हैं, ठीक है। इस प्रकार का ये बिजनेस होता है, डेट इज मर्केंटाइल। तो इसमें प्रॉफिट कैसे कमा पाएगा कोई, इसमें तभी प्रॉफिट कमा पाएगा जब कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए ब्रिटिश में ही और भी कंपनीज आ जाती ब्रिटिश वालों की ही, तो फिर जो इनका प्रॉफिट है वो बट जाता ना। इसलिए ये ज्यादा खुश थे क्योंकि इनके पास कोई भी कंपटीशन नहीं था। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम टिकी नहीं इनकी, क्यों, क्योंकि ये जो रॉयल चार्टर दिया था ये किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। ब्रिटिश की क्वीन है तो ये चार्टर उन्हीं कंपनीज के ऊपर लागू होगा, ब्रिटिश वाली। लेकिन यूरोप के इलाके के अंदर तो और भी कंट्रीज है ना, जैसे फ्रांस है, डच है, पोर्चुगल है, तो इन पे तो क्वीन एलिजाबेथ की बातें लागू होती नहीं है। ये तो आएंगे ना ट्रेड करने, तो ये आए भी ट्रेड करने। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. पहली चीज याद रखना कि हमारे ऊपर शासन सबसे ज्यादा जो किया है वो ब्रिटिशर्स ने किया है, लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा भी हमारे यहाँ कंपनी आई थी। जैसे कि कौन कौन आए थे, एक तो पुर्तगाल के लोग आए थे, डच पीपल आए थे, है ना, डी से डच लिख देती हूँ, एंड फ्रेंच भी तो आए थे, ठीक है, और एक होगा ये ब्रिटिश। तो ये क्या बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पहुंचे थे अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप में, कौन, ब्रिटिश। उससे पहले ही यहाँ बॉम्बे के नीचे में गोवा है, यहाँ पर अपना बेस बना लिया था इंडिया में, किन लोगों ने, पोर्चुगीज ने, ठीक है, पहले ही आ गए थे। सबसे पहले इंडिया में अगर पूछा जाए तो कौन सी यूरोप के लोग आए थे, तो वो पोर्चुगीज आए थे, ठीक है। इन फैक्ट इट वॉज वास्को डा गामा, अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। और वो पहला व्यक्ति जिसने खोजी थी सी रूट, मतलब सी के माध्यम से भारत कैसे पहुंचे, तो वो जो रास्ता था वो पोर्चुगीज ने निकाला था, और उनका नाम है वास्को डा गामा। कौन से ईयर में, 1498 में।
By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. अब पोर्चुगीज और ब्रिटिश तो चलो घूमने लग ही गए हैं कि हमें कहीं जगह मिल जाए, अच्छी अच्छी जमीन मिल जाए व्यापार करने के लिए। लेकिन उसके साथ डच भी सोच रहे हैं इसी चीज को कि हमें इंडियन ओशन के आसपास की कंट्री में कुछ जगह मिल जाए। डच ये भी एक यूरोप की कंट्री है, और वैसे ही फ्रेंच, फ्रेंच पीपल किन्हें कह रहे हैं, फ्रांस के लोगों को। आज की डेट में जो ये फ्रांस कंट्री है, यही फ्रेंच लोग, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोला जाता है। तो ये फ्रेंच लोग भी चाहते हैं, अब ये भी आ जाएंगे। बाद में पता क्या होगा, इन चारों में भी लड़ाई होगी क्योंकि कंपटीशन है ना। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब प्रॉब्लम क्यों हो रही थी इन कंपनीज के बीच की, लड़ाइयां क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि इन सारी कंपनी को एक ही चीज चाहिए थी, और वो चीजें वो थी जिनकी ज्यादा मांग थी यूरोप में। अब वही चीज से तो प्रॉफिट कमाया जा सकता है ना, जो चीज ज्यादा डिमांड में हो। वो क्या क्या था, कॉटन था, सिल्क था, और कुछ मसाले भी थे जैसे कि काली मिर्च, लौंग हो गई, दालचीनी, इलायची, ये सारे मसाले, और भी बहुत सारी चीजें थी जो इंडिया की बहुत अच्छी थी। इन सबका बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा था। अब पोर्चुगीज आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, ब्रिटिश आ गए, तो इनकी वजह से क्या हुआ कि जो दाम होते हैं, प्राइस होते हैं गुड्स के, गुड्स मतलब होता है सामान, आइटम्स, इनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अब प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ये जो पहले प्रॉफिट कमाया करते थे जब ये एक अकेली कंपनी थी, उतना प्रॉफिट ये नहीं कमा पाते थे। प्रॉफिट इनका रिड्यूस हो गया, कम हो गया प्रॉफिट। अब एक ही तरीका था ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, वो ये था कि अभी चार कंपनी है तो उनमें से एक एक करके इन कंपनियों को हटा दो और अकेली एक कंपनी हम बिजनेस करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। और इसकी वजह से क्या होता है कि इन चारों ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में बैटल्स होती हैं, लड़ाइयां होती हैं बहुत सारी। Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ship, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading posts were protected through fortification. तो ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे से खतरनाक लड़ाई तो करते थे, लेकिन एक दूसरे की शिप्स को भी डुबो देते थे पानी में। कई बार शिप्स क्या लेके जा रही होती थी गुड्स, तो उसको ब्लॉक कर देते थे, मतलब इस तरह की चीजें करते थे। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। अब इन लोगों ने क्या किया कि इस तरह की जब लड़ाई होती थी इन चारों कंपनीज के बीच में, तो अपने साथ में ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, हथियार रखना भी स्टार्ट कर दिया, और किले विले बनाना स्टार्ट कर दिया, सो दैट ये प्रोटेक्शन पा सके बाकी राइवल जो इनकी कंपनीज है उनसे। इसकी वजह से क्या हुआ, जब इन्होंने सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया हमारी धरती पर, तो जो हमारे लोकल पीपल इंडियंस हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं छोटी छोटी, अब ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। लेकिन जब एक बार इन्होंने सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि हम जो लोकल पीपल हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है। जब अच्छी नहीं लगती है और इनको सेटल होना भी जरूरी है हमारी धरती पर, तो अब ये राजनीति में घुस जाते हैं हमारे यहाँ की। और जब एक बार राजनीति में ये घुस गए तो काफी अच्छी पकड़ बना लेते हैं, और फिर क्या हुआ ये तो आप जानते हैं, लेकिन कैसे हुआ ये इस चैप्टर में हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, किस प्रकार बंगाल में व्यापार शुरू होता है और बंगाल फिर इनका हब बन जाता है कैसे, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।